तो यार अगर आपको एक पावरफुल स्मार्टफोन चाहिए एंड अगर आपका बजट 35,000 है तो यार ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। वीडियो को पूरा देखना, इसके ऊपर मत करना। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मेरा इंट्रो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन, रॉबिन ऑज़ला। वेलकम टू दी अनबॉक्सिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे चैनल पर। चैनल पर नया चैनल को तो सब्सक्राइब, वीडियो को करो तो लाइक करें, इंस्टाग्राम पर करो फॉलो यार। लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज अभी हम स्टार्ट करते हैं तो नंबर वाइज स्टार्ट करेंगे। सीधी बात करते हैं नंबर फाइव की बात करूं। नंबर फाइव पर यार मैंने रखा है LG G8X को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूं, सबसे पहले आपको एक डुअल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको IP68 रेटिंग देखने को मिल जाती है। वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट, अगर पानी वगैरह गिर भी जाता है ये खराब नहीं होने वाला। उसके बाद आपको OLED डिस्प्ले मिल जाती है, तगड़ा कैमरा मिल जाता है एंड आपको तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है। तो भाई अगर आपको कैमरे के रिलेटेड स्मार्टफोन चाहिए, अगर आपको एक गेमिंग के रिलेटेड स्मार्टफोन चाहिए एंड भाई अगर आपको एक डिफरेंट डिज़ाइन चाहिए तो LG G8X आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। एंड भाई अगर आप कोई भी मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, कोई हैवी एप्लीकेशन इंस्टॉल वगैरह करना चाहते हो अपने स्मार्टफोन पे, तो भी आप कर सकोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फ़ोन बहुत तगड़ा है, ठीक है। एक आपको पावरफुल स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। तो भी अगर आपने जाना है आप जा सकते हो। अगर आपने स्मार्टफोन को चाउड करना है आप चाउड भी कर सकते हो। चाउड करने के पैसे नहीं लगते यार, आप नॉर्मली दिल खोल के चाउड कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, आपको पता चल जाएगा। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.4 इंच OLED डिस्प्ले मिल जाती है। यार प्रोसेसर की बातों को स्नैपड्रैगन 855 देखने को मिल जाता है, जो कि तगड़ा प्रोसेसर है भाई। अगर आपने गेमिंग वगैरह भी करनी है आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है। एंड डिस्प्ले आपको डुअल डिस्प्ले देखने को मिलती है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। स्टोरेज की बात करूं, आपको 6GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूं, आपको 4000mAh की बैटरी मिल जाती है। कैमरे की बात करूं, सेल्फी की बात करूं, आपको सेल्फी सेम देखने को मिलेगी, 32MP प्लस 12MP प्लस 30MP। प्राइस की बात करूं, आपको 30,000 LG G8X नॉर्मली एंड इजीली देखने को मिल जाएगा। तो भाई अगर आपने अभी तक नहीं चेकआउट किया था LG G8X को, तो भाई मैं आपको दिल से रिकमेंड करना चाहता हूँ, बिकॉज फोन पूरा लोडेड मिल जाता है, चाहे वो कैमरा, चाहे वो प्रोसेसर है, चाहे वो डिस्प्ले है एंड चाहे वो डिज़ाइन है। मतलब चारों ही चीज़ों आपको परफेक्ट देखने को मिल जाती है। एक बार इसको चेकआउट कर लेना, अगर आपका बजट 30,000 है या अगर आपका बजट 35,000 है। अभी आगे बात करते हैं नंबर फोर की बात करूँ। या नंबर फोर पर मैंने रखा IQ3 को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, सबसे पहले आपको एक 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। इसकी खासियत की बात करूँ, इसका तगड़ा प्रोसेसर इसकी खासियत है, ठीक है। आपको स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल जाता है, प्लस आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोडक्शन के साथ आती है। आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30fps पर बैक कैमरे में। एंड यार इसका ऑरेंज कलर बहुत सही करता है, इसको मतलब सूट करता है ना। तो अगर आपने जाना है IQ3 की ओर, आप जा सकते हो। आपको प्रोसेसर डिस्प्ले अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर आपने गेमिंग करनी है, प्लस भाई अगर आपने कैमरे के रिलेटेड आपने कोई स्मार्टफोन लेना है, तब भी आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। बट मैं इतना आपको रिकमेंड नहीं करता कैमरे के रिलेटेड। जो मैं आगे फ़ोन बताऊंगा ना, वो कैमरे के लिए बहुत परफेक्ट होने वाले हैं। बट भाई अगर आपने गेमिंग के लिए लेने हैं, अगर आपको अच्छी डिस्प्ले चाहिए भाई एंड अगर आपको इसका डिज़ाइन पसंद आता है, आप जा सकते हो IQ3 की ओर। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, आपको डीपली पता चल जाएगा। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.44 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। प्रोसेसर की बातों को स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूं, आपको 3 वर्ड में देखने को मिलेगा, 6GB 8GB 12GB जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। प्लस आपको 128GB स्टोरेज प्लस 256GB स्टोरेज में देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करूँ, आपको 4400mAh की बैटरी मिल जाती है प्लस 55W का फास्ट चार्जर। कैमरे की बात करूँ, आपको कोर कैमरा मिल जाता है 48MP प्लस 30MP प्लस 30MP प्लस 2MP। सेल्फी बात करूं, आपको 16MP सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया IQ3 के। अभी बात करते हैं भाई, अगर आपको एक गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए तब आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है, आप जा सकते हो IQ3 के। और बट भाई अगर आपको एक कैमरे के रिलेटेड स्मार्टफोन चाहिए तो मैं आपको इतना रिकमेंड नहीं करता। तब जो मैं आगे फोन बताऊंगा ना, आप उसके और चल जाना। उसमें आपको कैमरा भी तगड़ा मिलेगा, प्रोसेसर भी तगड़ा मिलेगा, डिजाइन लुक वगैरह भी बहुत पसंद आने वाली है। तो यार वीडियो के साथ बने रहना। आगे बात करते हैं नंबर थ्री की बात करूँ। या नंबर थ्री पर मैंने रखा है Realme X50 Pro। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, प्लस आपको एक फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसका कैमरा बहुत तगड़ा मिल जाता है, उसके साथ साथ आपको प्रोसेसर भी तगड़ा मिल जाता है। ये फोन जो है वो 3 वर्ड में देखने को मिल
चलता है, प्लस आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आती है। बट अभी मैं आपको बता दूं कि इसको मैंने नंबर जो 3 पर क्यों रखा, ठीक है। इसका जो कलर्स आते हैं या डिज़ाइन आते हैं ना, वो आपको एक नॉर्मल टच देखने को मिलेगा। लाइक रियलमी के फ़ोन अगर आप लोगे ना यार 30,000 के, या अगर आप 15,000 के लोगे, 20,000 के, 25,000 के ना, उसके साथ ही आपको सेम डिज़ाइन देखने को मिलेगा, ज़्यादा फ़र्क वगैरह नहीं देखने को मिलता। तो यार अगर आप लाइक 35,000 पे कर रहे हो किसी को ना, तब आपको एक डिज़ाइन लुक वाइज भी आपको सही स्मार्टफोन चाहिए। सो दैट्स वाई सिर्फ इसका डिज़ाइन लुक इतनी अच्छी नहीं है, इतनी खास नहीं है, इसलिए मैंने इसको नंबर 3 पर रखा। और कोई भी प्रॉब्लम फ़ोन में नहीं है। वैसे अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन देखा जाए, ये स्मार्टफोन भी पूरा लोडेड मिल जाता है। अभी डिस्प्ले की बातों को 6.44 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। प्रोसेसर की बातों को स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत तगड़ा प्रोसेसर। अगर आपने गेमिंग करनी है नॉर्मली स्मूथली कर सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। स्टोरेज की बात करूं, ये 3 वेड में देखने को मिलता है, 6GB, 8GB, 12GB। जो 6GB वेड है ना, उसका प्राइस थोड़ा सा कम है। अगर आपने उसके और जाना, आप जा सकते हो। प्लस आपको 256GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। बैटरी की बात करूं, आपको 4200mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस 65W का फास्ट चार्जर। कैमरे की बात करूं, आपको क्वाड कैमरा मिल जाएगा, 64MP प्लस 12MP प्लस 8MP प्लस 2MP। सेल्फी की बात करूं, आपको डुअल सेल्फी मिल जाती है, 32MP प्लस 8MP। प्राइस की बात करूं, आपको 47,999 के बजट में रियलमी X50 प्रो देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया रियलमी X50 प्रो के भी। तो भाई अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना है, आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो। फॉर गेमिंग के लिए बेस्ट है, फॉर कैमरे के लिए बेस्ट है। डिज़ाइन वाइज देखा जाए या कलर्स वाइज देखा जाए, आपको नॉर्मल देखने को मिलता है। लाइक अगर आप 15,000 का भी रियलमी का फ़ोन लोगे ना, उसका एंड इसका डिज़ाइन आपको सेम देखने को मिलेगा, जो कि सच में एक माइनस पॉइंट हो जाता है। कोई बंदा यार 35,000 रुपया खर्च करता है ना, तो उसको एक डिज़ाइन भी डिफरेंट चाहिए, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करूँ यार, नंबर 2 पर मैंने रखा MI 10T। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, सबसे पहले यार इसकी खासियत की बात करूँ कि आपका 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो कि इसका सच में प्लस पॉइंट आ जाता है। माइनस पॉइंट की भी सीधी बात करता हूँ कि आपको फ्रंट कैमरे में 4K ऑप्शन तक भी नहीं देखने को मिलता, ठीक है। इसका डिस्प्ले बहुत सही है, आपको IPS LCD देखने को मिल जाती है, जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन के साथ आ जाती है, ठीक है। प्रोसेसर भी बहुत तगड़ा है। अगर आपको एक गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए, तो MI 10T आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। प्लस इसका जो डिज़ाइन है एंड इसके जो कलर्स हैं, वो बहुत सही देखने को मिल जाते हैं। पैसा वसूल फ़ोन है भी। अगर आपने अभी तक नहीं जैकेट किया था MI 10T को, तो आप जैकेट कर लेना, आपको बहुत पसंद आने वाला है, ठीक है। तो इसके मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 6.67 इंच IPS LCD देखने को मिल जाती है, जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूँ, ये 2 वर्ड में देखने को मिलता है, 6GB रैम एंड 8GB रैम, प्लस आपको 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। बैटरी की बात करूँ, आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस आपको 33W का फास्ट चार्जर मिल जाता है। कैमरे की बात करूँ, आपको 64MP प्लस 30MP प्लस 5MP, आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है। ट्रिपल कैमरे में आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो भाई, जो कि सच में एक प्लस पॉइंट आ जाता है। लाइक 35,000 के बजट रेंज में आपको 8K वीडियो ऑप्शन मिल जाना, बहुत सही है। सेल्फी की बात करूँ, 20MP सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको MI 10T के भी बता दिए। ये स्मार्टफोन भी आपको पूरा लोडेड मिल जाता है। अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना है, आप जा सकते हो, ठीक है। इसके कलर हो गया, इसका डिज़ाइन हो गया, इसका कैमरा हो गया, इसकी डिस्प्ले हो गया, इसका प्रोसेसर हो गया, आपको पूरा लोडेड मिल जाता है। सो दैट्स व्हाई इसको नंबर 2 पे रखा। लेकिन जो मैं आगे फ़ोन बताने वाला हूं, मतलब नंबर 1 पे फ़ोन बताने वाला हूं ना, तो भाई अगर मेरा बजट भी होता 35,000, मैं उसी की ओर जाता। अभी सीधी बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ यार, नंबर 1 पर मैंने रखा है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसका बजट जो है वो 40,000 देखने को मिल देगा, ठीक है। लेकिन सैमसंग का अभी नया फ़ोन लॉन्च हो गया, इसका प्राइस अभी कम होने ही वाला है, पक्का होगा। श्योर हूँ मैं, 100% श्योर हूँ यार, इसका प्राइस आपको 5,000 ड्रॉप ही देखने को मिलेगा। तो भाई अगर आपका बजट अंडर 35,000 है, थोड़ा सा वेट कर लो। अगर आपने स्मार्टफोन की ओर जाना है, आप जा सकते हो। आपको एक सैमसंग की ओर से स्मार्टफोन मिल जाता है, इसका प्राइवेसी सिस्टम बहुत तगड़ा है, इसकी डिस्प्ले बहुत तगड़ी है, इसका प्रोसेसर बहुत तगड़ा है, प्लस इसका डिज़ाइन हो गया एंड इसके कलर हो गया, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं, ठीक है। अगर भाई मेरा बजट भी होता ना 35,000, तो भाई मैं भी इस स्मार्टफोन की ओर जाता, बिकॉज सैमसंग का जो प्राइवेसी सिस्टम होता है भाई, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करते हो, आप सेफली उसको यूज़ कर सकते हो,
ठीक है, अपनी फोटोज़ होगी, डॉक्यूमेंट हो गए, उसको प्राइवेसी में रख सकते हो। एंड इसका कैमरा बहुत हद तगड़ा है भाई। अगर आपने सिनेमेटिक शूट करना, अगर आपने व्लॉगिंग के लिए स्मार्टफोन लेना, उसके साथ अगर आपने रील्स बनानी है, टिकटॉक बनानी है, ज़्यादा पंगे लेने के शौकीन हो, तब भी आपके लिए ये फ़ोन परफेक्ट डील हो सकता है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.5 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका डिस्प्ले बहुत सही है। प्रोसेसर की बातों को स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल जाता है, जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। भाई गेमिंग के लिए अगर आपको एक स्मार्टफोन चाहिए, तब भी आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। स्टोरेज की बात करूं, आपको 8GB रैम मिल जाती है, प्लस आपको 128GB स्टोरेज मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो 1TB तक। बैटरी की बात करूं, आपको 4500mAh की बैटरी मिल जाती है, 24W का फास्ट चार्जर, प्लस वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। उसके बाद ये स्मार्टफोन रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। कैमरे की बात करूं, आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 12MP प्लस 8MP प्लस 12MP। इस पर आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सेल्फी की बात करूं, आपको 32MP सेल्फी मिल जाती है, जिस पे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको सैमसंग गैलेक्सी S20 FE के भी बता दिए। तो भाई अगर आपका बजट 35,000 है, तो मैं आपको सीधा रिकमेंड करता हूँ आप इसी स्मार्टफोन की ओर जाना, किसी और की ओर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यार आपको पूरा लोडेड देखने को मिल जाता है नंबर 1 फ़ोन। तो यार अभी मैंने आपको टॉप 5 स्मार्टफोन बता दिए, जो कि आप under 35,000 नॉर्मली इजीली ले सकते हो। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भी देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भी देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, करें इंस्टाग्राम पे गले फॉलो। यार लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो के साथ कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे यार। तो थैंक यू।